बाय बेटा। बाय मम्मा। अच्छे से जाना। अरे हाँ मीनल, कुछ लोगों की आदत होती है ना, बेटी को बेटा बुलाते हैं। उनको ये नहीं पता कि बेटी तो बेटी होती है, वो कभी बेटा नहीं बन सकती है। उनको तो एक दिन दूसरे के घर जाना ही होता है। क्या खाओगी? मैं बना देती हूँ। मैं कुछ भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अरे मम्मा, आपका हाथ इतना गर्म क्यों है? आपको बुखार है और आपने मुझे बताया नहीं। अरे मम्मा, एक काम करो, आप इधर बैठो और रिलैक्स करो, और तब तक मैं आपके लिए एकदम अच्छा गर्मा गर्म खाना बना के आती हूँ। ओके? नहीं बेटा, कल तेरा स्कॉलरशिप का एग्जाम है, वो ज्यादा जरूरी है। तुम पढ़ाई करो, मैं ठीक हूँ बेटा। आप चिंता मत करो, मैं पढ़ भी लूंगी और स्कॉलरशिप भी ला लूंगी। आप बस इधर आराम से बैठो, जबकि आपकी प्यारी बेटी आपके लिए गर्मा गर्म हाथ का बनाया हुआ खाना लेके आती है। उसके आगे आप कुछ नहीं बोल सकते। तुम है ही इतनी जिद्दी। आप इधर बैठो और उठना मत। ओके? ठीक है बेटा। मैं जा रही हूँ, खाना बना के आती हूँ। अरे पता है जी, वो अपने बगल वाले शर्मा जी है ना। रुक, क्या हो समझ? अरे शर्मा जी को कुछ नहीं हुआ, वो है ना अपनी बेटी पर इतना फालतू का खर्च करके बेटी को बेटा बनाने पे तुले हैं। खैर उन्हें ये नहीं पता कि बेटी को तो एक दिन जाना ही है, कौन सा उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाली है। बिल्कुल गीता, तुमने सही कहा। हम लोग बड़े भाग्यशाली है, हमको एकमात्र बेटा है, और देखना एक दिन हमारे कुल का बड़ा नाम रोशन करेगा। और नहीं तो क्या जी, हमारा बेटा तो लाखों में एक है, बड़ा होके वो हमारा नाम रोशन करेगा। ये कॉफी तुम्हारी बेटे के नाम। चीयर्स। क्या हुआ बेटा, आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, बता ना, मिला स्कॉलरशिप? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, अगले साल ट्राई कर लेना, वो मेहता जी के बेटे का भी तो नहीं हुआ। हाँ जी, हो सकता है इस बार क्वेश्चन ही बड़े मुश्किल रहे हो, है ना, बोल ना बेटा। मम्मा पापा, मेरा स्कॉलरशिप हो गया। वही नहीं, आपको स्कूल की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इंडिया के टॉप स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं इंडिया के टॉप स्कूल में जाऊंगी, और वही नहीं उसके साथ साथ मैं उसके स्पोर्ट्स टीम में भी सिलेक्ट हो गई। अब मैं नेशनल खेल के आप सबका नाम रोशन करूंगी। और कैसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, मैं तो हूँ आप दोनों की बेटी ना। आई लव यू मम्मा पापा। बेटा तेरा जो मन में आए करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी पापा। जी आप इतने पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊँगा, जब तुम्हारे बेटे ने कारनामा किया है उसका भुगतान करने जा रहा हूँ। भुगतान मतलब? अरे भुगतान मतलब तुम्हारा नालायक बेटा गाड़ी चला रहा था दारू पी के, एक तो लाइसेंस भी नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया, उसी को छुड़ाने जा रहा हूँ।
अच्छा जाने दीजिए जी, छोड़िए, जाइए आप पहले मेरे बेटे को लेके आ जाइए, उसको पुलिस स्टेशन में कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये सब ना तुमने बिगाड़ रखा है, कितनी बार बोला उसको समझाओ, पूरे समाज में नाम खराब कर दिया तुमने हमारा। सुनो जल्दी आओ क्या हुआ? अरे ये देखो अनुष्का का फोटो छपा है, वो भी इतना बड़ा, और देखो लिखा क्या है, अनु जैसी लड़की पे ये शहर ही नहीं पूरा देश गर्व करता है। ये तो मुझे पता ही था, मेरी बेटी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है, अब इतना तो ये न्यूज वालों को लिखना बनता ही है ना। सही बोली, बस मैं तो यही चाहता हूँ मेरी बेटी की मेहनत रंग लाए और उसका IAS बनने का सपना पूरा हो। मुझे बहुत खुशी हुई देख के। मम्मा पापा गीता, गीता क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाबा इसमें मैंने 10,000 रुपए रखे थे, तुमने देखे क्या? नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखे, आप अच्छे से ढूंढो वहीं कहीं होगा। अरे बाबा सब जगह घूम चुका हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जरूर तुम्हारे बेटे का सामान है। हे भगवान, उसने फिर से पैसे चुराए। गीता मैं तो तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस बेटे के दाना में से, कभी चोरी कभी गुंडागिर्दी कभी दारू कभी पुलिस, पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया आपके इस बेटे ने, क्या सोचा था और क्या कर दिया। काश हमको बेटा नहीं एक बेटी होती, इतना शर्मसार तो नहीं होते हम। हाँ जी आप सही कह रहे हो, काश शर्मा जी की तरह हमें भी एक बेटी होती, आपको पता है हम कितने गलत थे, वो बेटी होके आज अपने माँ बाप का भी ख्याल रखती है और आज एक IAS ऑफिसर भी बन गई, माँ बाप का नाम रोशन किया। हम सोचते थे कि ये सब सिर्फ बेटे ही कर सकते थे, बट हम ये समझ ही नहीं पाए कि बेटियाँ भी किसी बेटे से कम नहीं। बिल्कुल गीता, आज मुझे अफसोस है कि बेटे के चक्कर में हमने दूसरी बेटी नहीं की, काश हमारी बेटी होती तो तुम्हारा भी ख्याल रखती और मेरा भी और उनका नाम भी होता। हम गलत थे गीता, हम गलत थे। वापस धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे इतना सम्मान देने के लिए, आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ तो बस एक इंसान की वजह से, वो है मेरे पापा। उन्हें मुझे कभी भी बेटी नहीं समझा, उन्हें मुझे हर एक चीज करने की इजाजत दी जो भी मैं करना चाहती थी, उन्हें कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं बेटी हूँ बेटा नहीं। मेरा यकीन मानिए अगर समाज में हर एक वर्ग ये समझ जाए कि बेटा और बेटी के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, तो हर एक बेटी हर एक लड़की मेरे जैसे हो सकती है। अगर आज मैं IAS बनकर आप सभी के सामने खड़ी हूँ तो उसके पीछे मेरे पापा का प्यार और भरोसा है, और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज फादर्स डे है।